हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अफरान हनी। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने साड़ी वगैरह पहन ली है, मेकअप वगैरह कर लिया। हालांकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब इस रूम में तो मेकअप ढंग से कर भी नहीं पाया। जैसा भी हुआ फटाफट कर लिया मिनी, तो इनफैक्ट अभी तैयारी हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं नॉडी के बर्थडे के लिए। आज बर्थडे है उसका, तो हम लोग छत पे जाएंगे क्योंकि सारा अरेंजमेंट वही किया हम लोगों ने, क्योंकि ये कोरोना वायरस के चक्कर में बाहर जाने के लिए मना ही कर दिया था बिल्कुल डैडी वगैरह ने। तो हम लोग उसका घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लगभग 30-40 लोगों को इनवाइट भी किया है, तो लगभग थोड़े बहुत तो आ भी गए हैं। और मैं सोच रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तैयार होने में, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ। बट वही है ना, ये चश्मे में सारा लुक थोड़ा छुप जाता है, बट कोई बात नहीं, फिर नज़र नहीं आया कुछ मेरे को, इसलिए मेरी मजबूरी चश्मा लगाना। तो चलिए गए, मिल लेते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों से, मतलब जो आए हमारे गेस्ट। जब ऊपर छत पे पहुंची तो लगभग ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके थे, क्योंकि ज़्यादा आने भी नहीं थे, थोड़े ही बुलाए थे। तो बस केक वगैरह सब रेडी था, और यहाँ नॉडी खेल रहा है, वही मैं कैप्चर कर रही हूँ, खूब मस्ती कर रहा था। और गाइस एक्चुअल में पार्टी अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से, मतलब जैसा, मतलब इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि सब खुद ही मैनेज करना था। थोड़ा वो भी लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन सब मैनेज हो गया अच्छे से। क्योंकि हमारे यहाँ पे सब फैमिली मेम्बर ऐसे कोई नहीं है कि हम नहीं कर रहे या हम नहीं कर रहे, सब करने लगते हैं काम, तो हो जाता है सब अच्छे से। भाई आलू आरू क्यों नहीं था, तो पे कोई नहीं सही। मैंने उसको बोला एक खींचने के लिए बॉडी पॉजिटिव, तेरा भाई का बेटा है याद रखना, जल्दी यहीं खड़े आपका टैक्स searching for a longer day, people feeling like the light has just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life, life is happy but it's so insane, we must merely make a start. गाइज ये मेरी विद्या दी हैं, और सिस्टर बैठी हुई है, और मेरे एक आंटी के बेटे बैठे हुए हैं बगल में, वरुण भैया। गाइज दरअसल यहाँ पे थ्रू आउट म्यूज़िक चल रहा है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको कोई लाइव बात सुना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि फंक्शन है तो म्यूज़िक बंद भी नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए सॉरी। We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
फ्रेंड्स, ये नॉडी किसी की भी गोदी में अच्छे से रहता ही नहीं है, फोटो के टाइम पे खासकर से. सिर्फ अपने फूफा जी की गोदी में इतना आराम से रहता है तो सब सोचते भी कि फूफा जी तो इसके फेवरेट हैं. तो गाइस, इस समय आप देख सकते हैं इतना आराम से फ़ोटो खिंचवा रहा है, नहीं तो बाकी लोग परेशान रहते कि अच्छे से एक वे में खड़ा हो जाए तो हम इससे फ़ोटो ले लें, पर वो सिर्फ फूफा जी के साथ ही खिंचवा रहा है फ़ोटो इतने आराम से, नहीं तो खिंचवाता ही नहीं है. फ्रेंड्स, अब हम लोग समोसा वगैरह खाने जा रहे हैं, तो समोसा वो सब सर्व किया जा रहा है. और गाइस, ये भी नेहा है, इनका नाम भी नेहा है. ये मेरी आंटी की बहू हैं, मतलब मेरी भाभी, और मेरी जो खुद की भाभी है उनका नाम भी नेहा ही है. ये लॉकेट दिखा रही हैं, तानिया लाई है, जो ये जो नाच रही है ना, अभी डांस कर रही है वही. और मैं गाइस यहाँ पर अभी समोसा खाने जा रही हूँ, क्योंकि समोसा और केक ही खा रहे हैं सब लोग. तो मैं देख भी रही हूँ कि सबको मिल गया कि नहीं मिल गया, और बाकी क्योंकि यहाँ पर सब हम ही लोग कर रहे हैं, अपना खुद ऑर्गेनाइज़ किया है, तो खुद ही सब हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस की वजह से बाहर के कोई लोग आए नहीं, किसी को बुलाया नहीं है, और इनफैक्ट किसी हेल्पर को भी नहीं रखा है कि कोई हेल्प करे. हम सब खुद ही कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि आउटसाइड का कोई बंदा अलाउड ही नहीं है. तो क्योंकि इस समय हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, ये सब तो आप समझ लीजिए फैमिली मेम्बर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर 2-3 फैमिलियाँ नज़र आ रही हैं, और हम सब अभी स्नैक्स खा रहे हैं गाइस. और गाइस, सन्नी सबके फ़ोटोज़ ले रहा है, तो मैंने बोला मेरा भी ले ले, तो वो मेरा ले रहा है, तो बोले पोज मार, एक तरफ फेस कर और हिलना मत. तो मैं वही फ़ोटो खिंचवा रही हूँ इस समय, इसीलिए हिल नहीं रही हूँ. गाइज, ये रसगुल्ले, रायता, मिक्स वेज, और ये थोड़ा बर्फ़ रखा हुआ है क्योंकि ठंडा करना था पानी, और ये राइस, जीरा राइस जिसे बोलते हैं, और ये दाल मखनी. तो दाल मखनी तो नेहा की मम्मी ने बना के लाई थी. और गाइज, ये जो कवर्ड रखा है भगोने में, वो दरअसल कढ़ाई पनीर है, उसे खोला नहीं था अभी तक, और बाकी जितना भी था वो मम्मी ने बनाया था सब कुछ. तो मैं वही सोच रही कि इतने लोगों का दाद देना पड़ेगा, इतना खाना उन्होंने बनाया अकेले. और गाइज, चांदनी और तानिया डांस कर रहे हैं, और सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा कौन से सॉन्ग पे लोगों ने डांस किया है, पर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें डांस इन लोग का भी डाल दूंगी और अपना भी डाल दूंगी साउंड के साथ, क्योंकि इसमें तो सब म्यूट रखना पड़ रहा है मुझे, वरना कॉपीराइट आ जाएगा. और ये बेटे का पैंट निकल गया, तो सब हंस रहे थे. और फ्रेंड्स, अब हो रहा है डांस. आंटी और जो मेरी, मतलब जो नेहा है उनकी मम्मी, और वो बंगाली आंटी है मेरी, जिनकी ये तानिया बेटी है, मतलब जिन कोलकाता से स्पेशली बर्थडे के लिए आई है, ये जो डांस कर रही है तानिया ही है, वो इन्हीं की बेटी है, वो जो ब्लू साड़ी पहने हुए हैं, रत्ना आंटी. और मम्मी डांस कर रही हैं, और नॉडी से भी कह रही हैं करने के लिए, तो नॉडी भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा डांस. और गाइस, मैं और चांदनी भी डांस कर रहे हैं, हालाँकि जो सॉन्ग है वो बहुत तड़कता भड़कता सॉन्ग है, जो यहाँ पे आपको सुनाई नहीं पड़ेगा बिकॉज़ कॉपीराइट आ जाता है हम लोगों को. बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना और थोड़ा बहुत डांस इस वीडियो का एक अलग वीडियो में डाल दूँगी. उसमें मैं अभी इस समय डांस कर रही हूँ, तानिया, मतलब मैं डांस कर रही हूँ, आंटी कर रही हैं, और चांदनी कर रही है, अंकल कर रहे हैं, हम चारों डांस कर रहे हैं अभी इस समय. इन्जॉय करिए गाइस. No.
और गाइस अभी सब आंटियां वगैरह फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, आंटी मम्मी वगैरह सब। हालांकि मम्मी बहुत लोगों को इनवाइट करना चाहती थी, बट ये वायरस की वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया उन्होंने, क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठना बहुत रिस्की है इस वजह से। बेटू करो जल्दी। फ्रेंड्स, मैं अकेले बैठी हुई थी चेयर पे, एकांत में बैठी हुई थी, तो मैंने देखा बेटू को, पूछा खाना खा लिया, तो मैंने कहा कि इधर आ जाओ ज़रा, पेट भर गया हो तो वो आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा अरे इधर आओ भाई, फिर आ गए। मैंने इनसे बोला आ जाओ एटलीस्ट हाई कर लो, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है तो आवाज़ तो कुछ सुना नहीं चल सकते हैं, और जहाँ फंक्शन होता है वहाँ गाइस म्यूज़िक तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते बंद, क्योंकि फिर थोड़ा फीका फीका लगने लगता है फंक्शन में। और अभी डिनर का टाइम हो गया, तो सब लोग अभी मेन डिनर कर रहे हैं। गाइज मैंने विद्या दी को बोला दी हाय करो, दी बोला म्यूज़िक चल रहा है तेरे को कॉपीराइट नहीं आएगा, मैंने कहा आएगा, मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, बोली मुझे अच्छी लग रही, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा धन्यवाद, इसलिए मैं इतनी खुश हो रही हूँ, बड़ाई कर दी मेरी। एक्चुअली असली एंजॉयमेंट तो यही ले रहा है, एग्जाम्स जो जंप हो गए ना, असली फायदा मिला, उनको ही मिला एक्चुअली, इतना खुशी है। और गाइस ये है जीनिया, तानिया की छोटी सिस्टर, जो मेरी बेंगोली आंटी, उनकी छोटी बेटी है ये। और गाइस सारा खाना पीना मैं देख रही थी कि सब लोगों को मिल गया नहीं मिला, अंकल लोग को कुछ ज़रूरत तो नहीं है खाने की, तो मैं अभी यहीं खड़ी हूँ, सबसे पूछ रही हूँ कि क्या दूँ क्या नहीं, क्योंकि गाइस वहाँ पे कोई था ही नहीं, और सर्व वगैरह करने के लिए तो सब हमको खुद ही करना था। तो चांदी ने कहा मुझे खाना खाना, तो मैंने कहा मैं लगा के दूँ, और डैडी ने कहा रसगुल्ला चाहिए, तो मैंने कहा डैडी आप रुको मैं लगा के देती हूँ, तो मैं उनको वही रसगुल्ला दे के उनको ढूंढ रही हूँ कि वो गए कहाँ, क्योंकि मुझे लगा वो मेरे पीछे खड़े होंगे, पर वो एकदम से निकल गए, अब मैं उनके पीछे पीछे गई। फिर गाइज मैंने डैडी से पूछा कि अब खाओ और बताओ कैसा बना है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो डैडी ने टेस्ट किया, डैडी ने थम्स अप दिया, बोला अच्छा बना है, क्योंकि गाइज मम्मी स्वीट वगैरह बहुत अच्छी बनाती है। फिर मैंने भानु से भी कहा खाना कैसा है, तो उसने बोला टेस्टी है। मैं सबसे पूछ रही थी कैसा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। ये खा लियो, किसी और को नहीं खाने को मिलेगा। जीजू आप भी ले लो, मेरे को बोल दो, मैं बना दूंगी। वो वाली चम्मच मत देना, मैं दूंगी लगा के। तुमने क्या प्लेट ले लिया, कहाँ वो हो रहा पीछे, गौर से देखो, नहीं लाओ, मेरा हो गया, मेरे हाथ से रसगुल्ला खाओगी तो और मीठे लगेंगे एकदम। क्या बात है, हो गया आपका, चम्मच ले लो, ग्लास दो, रसगुल्ले ने रोका हुआ, ग्लास दो आगे बढ़ो। अरे मैं आंटी को दे, अरे तो वो बाद में ले लेंगी ना, मीठा बाद में ले लेंगी ना, लेट भर जाएगी वरना, अभी बाद में ले लेंगी ना। गाइज ऑलमोस्ट सब ने खाना खा लिया है, कुछ गेस्ट तो चले भी गए खाना खा के, तो हम ही घर घर के रह गए थे, तो हमने कहा चलिए खाना खा लेते हैं। और वो चांदनी मुझसे कुछ ना कुछ मजाक करे जा रही है, वही वाली बात कि आपने तो बनाया दीदी सारा खाना, मैंने कहा और क्या, मैंने तो बनाया। गाइज थोड़ा मेरा नेचर ऐसा ही है मजाक मजाक करने का, इसलिए मैंने पूरा टाइम ऐसे ही बोलते रहा, तो वो लोग हंसते हैं तो मुझे अच्छा लगता है।
चांदनी हाँ जी वही मत जमी रहो अब जीजू को कैप्चर करती रहो अरे तब से जीजू लगे हुए नहीं अभी बांध लिया जीजू है तो ठीक है पर अरे पर जीजू सबकी फोटोज खींच रहे थे वीडियोस ले रहे थे तब इधर आओ मैं इधर करो आके जीजू की अहमियत तेरे को क्या पता मिनी को पूछ दे ये बोलो जीजू की ले ले कैसा लग रहा है खाना स्वाद है मस्त एकदम ऐसा कहना है हनी दीदी का कहना है कि मैंने ही सारा खाना बनाया सुबह से 5 बजे उठ के मैंने ही बनाया है और आप लोग कमेंट करके बताइए 12 बजे तो सो के उठा है सच्चाई क्या दो तीन चम्मच खा के बताइए दो तीन चम्मच खा के बताइए कैसा बना है खाना अच्छे हनी दीदी ने ये सुबह 5 बजे उठ के बनाया है सारा खाना मैंने बनाया अकेले मुझे किसी की हेल्प नहीं मिली ना परजाई जी की ना मम्मी जी की किसी की नहीं अकेले लग रही सिंगल हैंडेड दोपहर में 12 बजे कौन उठा था अरे ये दुश्मन है मेरे आपने बहुत अच्छा खाना बनाया मैं आपको सपोर्ट दुश्मन हाँ तो आप क्या बोल रहे थे दोपहर में 12 बजे उठ के बनाया सुबह 5 बजे उठ के लगी हुई अच्छा क्या क्या बनाया है एक्चुअली क्या क्या बनाया है आप ये पता नहीं कढ़ाई पनीर तू यही बता दे क्या क्या बनाया एग्जैक्टली मैं इसीलिए पूछ रही हूँ इसमें शिमला मिर्च और कढ़ाई पनीर हुआ अच्छा नहीं आप बोल दो जो भी हम मान लेंगे एक्चुअली मेन शेफ है खाने की ये मौसी जी जो उनके पीछे बैठी हैं वो मजे ले रही हैं बस ऐसे मेरी बराबर मेहनत लगी है क्या कर रही प्यारी ये क्या कर रही ओहो खांसी इसको भी जुखाम खांसी हो गया है मेरा वाला तो वैसे वो घूम रहा है खांसी जुखाम लेके नोडी क्या कर रही प्यारू लगाओ आप 2 साल की हो गई प्यारू लगाओ लगाओ सर पे लगाओ पार्टी खत्म हो चुकी है और नॉडी अभी भी थका नहीं है बाहर खेल रहा है बराबर आज ये लोग हॉस्पिटल गए तो मैं लिंक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आप सेम व्लॉग इनके भी चैनल पे देख सकते ये वाला पूरा कॉमेडी वाला ही बनाया सेम शक्लें आपको दिखेंगी सेम शक्ल दिखेगी सेम डांस दिखेगा सब कुछ सेम रहेगा और गाइस यहाँ पर भी ये पूरा ना ये लोग कॉमेडी में बना रहे हैं ऊपर भी 5 बजे उठ के बना नहीं वो जो 5 बजे उठ के खाना बनाने वाली बात थी वो दरअसल मैंने ही बनाया था उसमें कोई मजाक नहीं था सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ और बहुत मेहनत की मैंने फ्रेंड्स इनका भरोसा मत करना बहुत झूठे एक नंबर के सारे ये लोग मुझसे जलते हैं
सच्चे बंदे का मुंह मीठा करा रहे हैं ना आंटी, मैं खा रहा मेरे दम नहीं है बिल्कुल खाने की। मैं पता नहीं क्यों आज खाना बनाने वाली मूवमेंट कैप्चर नहीं हो रही। सारी मूवमेंट कैप्चर हुई लेकिन खाना बनाने वाली कैप्चर इन लोगों का भरोसा मत करना, बहुत झूठे एक नंबर के जलते हैं। और फ्रेंड्स मैं आज कैसी लग रही थी मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा जरूर। फ्रेंड्स अब हमें दीजिए इजाजत और इसी के साथ ब्लॉग करेंगे एंड, और जितने भी घर वाले यहाँ बैठे सबको कर दीजिए बाय 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 करो बाय बाय करो बाय कर मेरी प्यारू बाय करो बाय करो बाय। भानु कैच किया कहाँ है भानु, वो क्या बेटा वो उधर चला गया। चलो बाय करो मामू बाय करो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत, सायोनारा बाय।